अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। तो इसमें हमने देखना है कि किडनी के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है और फिर आगे उनके हम क्योर्स भी देखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले जो है किडनी प्रॉब्लम में वो है किडनी स्टोन। ये बहुत आम कॉमन डिजीज है कि किडनी के अंदर जो है पत्थर्स बन जाते हैं। यहाँ पर किडनी की फॉर्मेशन अक्सर किस वजह से होती है कि कुछ हम डाइट इस तरह की लेते हैं और इसके मेटाबॉलिज्म की वजह से भी क्या होता है कि स्टोन की फॉर्मेशन होती है। लाइक जैसे हाइपरकैलेसीमिया, अगर हम इसकी बात करें तो ये मेटाबॉलिक डिजीज में होती है। मेटाबॉलिक डिजीज में क्या होती है कि जब हम कैल्शियम का जो है ज्यादा यूज करते हैं, कैल्शियम का, हाइपर का मतलब भी होता है ज्यादा, मोर। जब हम एक लिमिट से ज्यादा कैल्शियम का यूज करते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हाइपर कैल्शियमिया काज होता है। एक तो इस वजह से, लाइक जैसे हम आम घरों में भी आपने देखा होगा कि हम कैल्शियम के जो साक्षी या कैल्शियम के जो गोलियाँ हैं वो खुद से इंटेक कर रही होती हैं, खुद से ही हम अपना इलाज ट्रीटमेंट शुरू करके बैठे होते हैं बजाय डॉक्टर्स की हदायत पे अमल करने के। हम क्या कहते हैं कि हमें जो है कैल्शियम की कमी हो गई है, हम कैल्शियम के साक्षी मंगवा मंगवा के पी रही होती हैं या फिर उस तरह उसकी गोलियाँ जो कैल्शियम की होती हैं वो इंटेक कर रही होती हैं। तो इससे क्या होता है, हम ओवर डोज ले लेते हैं जिसकी वजह से हाइपर कैल्शियमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से भी किडनी के अंदर स्टोन बनते हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन है पैरा हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या है? पैरा हार्मोन। समटाइम ऐसे होता है कुछ इन्फेक्शन की वजह से, जब कुछ इस टाइप की डाइट्स लेते हैं जो क्या करती है, हमारे पैराथायराइड एक ग्लैंड है उसके ऊपर एक्ट करती है। जब पैराथायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगी तो उससे पैराथार्मोन रिलीज होगा। अगर पैराथार्मोन ज़्यादा, और हो सकता है कि वो ज़्यादा रिलीज कर दे एक ज़रूरत से भी, उससे क्या होगा, जब पैराथार्मोन रिलीज होगा ये हमारी हड्डियों के ऊपर एक्ट करेगा। पैराथार्मोन जब हमारी हड्डी के ऊपर एक्ट करेगा तो हमारी हड्डियों के अंदर होती है कैल्शियम। तो ये कैल्शियम को क्या करेगा, इस कैल्शियम को हमारे ब्लड के अंदर ले आएगा। इससे क्या होगा कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल अप हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल अप हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगा। नेक्स्ट हाइपर ऑक्सैलूरिया। हाइपर ऑक्सैलूरिया जो है, एक हमारे पास होता है ऑक्सैलेट्स। ये हाइपर ऑक्सैलूरिया में हाइपर का मतलब यहाँ पर भी मोर है, ऑक्सैलूरिया का मतलब है ऑक्सैलेट। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सैलेट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है ऑक्सैलेट की, देन एक कंडीशन काज होगी जिसे हाइपर ऑक्सैलूरिया कहते हैं। ऑक्सैलेट एक्चुअली क्या है, ऑक्सैलेट वेस्ट मटीरियल है जो ज़्यादातर लीफी, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल उसमें होता है, प्लस टमाटो। टमाटो के अंदर, इनके अंदर जो वेस्ट मटीरियल स्टोर होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सैलेट। तो जब हम इन चीज़ों को ज़्यादा इनटेक करेंगे या ज़्यादा हम डाइट में ये चीज़ें ले रहे होंगे तो इससे क्या होगा, ऑक्सैलेट का लेवल अप होने का खतरा होगा, जिसकी वजह से हाइपर ऑक्सैलूरिया हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास किडनी स्टोन्स की टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सैलेट, इसमें देख रहे हैं कितनी कितनी परसेंटेज में ये या कितने कितने चांसेस होते हैं इस तरह के किडनी स्टोन होने के। तो इसमें अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो कैल्शियम का लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है ऑक्सैलेट का, तो कैल्शियम ऑक्सैलेट बोलेंगे इसे। इस तरह के जो किडनी स्टोन होते हैं वो तकरीबन 70% उनके बनने के चांसेस होते हैं, 70%। अगर हम बात करें कैल्शियम फॉस्फेट के तो इसके जो चांसेज हैं 15% होते हैं। ये जो जितने भी हम किडनी स्टोन्स का को डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली ये क्या होता है कि हमारे या तो जब यूरिन बनता है तो यूरिन के रिमूवल में जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस काज हो जाती है, यूरिन रिलीज नहीं होता। मतलब ये कि यूरिन को यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर तक आने में बहुत ज़्यादा रुकावट का बाइस बनती है। तो इस तरह ये कैल्शियम ऑक्सैलेट फॉस्फेट, अगर हम इसकी फॉस्फेट की बात करें तो फॉस्फेट से जो स्टोन बन रहे होते हैं वो मोस्टली जो पेल्विस रीजन में ऑब्स्ट्रक्शंस काज करते हैं यूरिन की रिलीज होने में। तो ये जो है 15% चांसेस होते हैं इसके बनने में। नेक्स्ट है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है, इसके चांसेस अगर देखा जाए तो ज़्यादातर 10% होते हैं। कितने परसेंट है? 10%। ये ज़्यादातर यूरिक एसिड कब होता है, यूरिक एसिड के जरिए जो किडनी स्टोन्स बन रही हैं ये तब होता है जब हम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा
कर रही होती हैं। जब हम मीट या गोश्त ज़्यादा खाती हैं, चिकन ज़्यादा खाती हैं, तो उससे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड यूज फॉर स्टोन रिमूवल। जाहिर अगर ये किडनी के स्टोन्स बन सकते हैं तो कोई ना कोई मेथड भी जो है डिस्कवर हुआ होगा इनको रिमूव करने का। तो इसके टू मेथड है। पहला मेथड टू विद सर्जरी। इसमें क्या होता है कि बॉडी के पार्ट्स की सर्जरी की जाएगी जहाँ पर ये स्टोन बना होगा, लाइक किडनी के अंदर स्टोन बना है, वहाँ पर होगा क्या कि उसकी सर्जरी की जाएगी। सर्जरी के जरिए वहाँ से जो स्टोन होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। सेकेंड मेथड है विदाउट सर्जरी। विदाउट सर्जरी आपने अक्सर हॉस्पिटल के पास अगर गुजरे होंगे तो वहीं लिखा होता है कि बगैर ऑपरेशन के पथरी का इलाज करवाएं। वो जो एक्चुअली यही है विदाउट सर्जरी के एक टर्म यूज होती है इसके लिए लिपोट्रिप्सी। विदाउट सर्जरी में क्या होता है कि इसमें एक्स रेज और अल्ट्रासाउंड जो रेज होती हैं वो यूज होती हैं। कैसे यूज होती है ये हम डिस्कस करती हैं। इसमें विदाउट सर्जरी हमने देखना है कि एक टर्म यूज होगी विदाउट सर्जरी रिमूवल ऑफ स्टोन इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी में एक्स रेज या अल्ट्रा वायलेट साउंड जिसे आप एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स कह रहे हैं, ये एक्चुअली इसी का ही नेम है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स। इसमें होता क्या है, लाइक ये किडनी है, किडनी के अंदर स्टोन पड़ा हुआ है, स्टोन बन गया, यहाँ पर क्या हो गया ये जो एक्स रेज है इसकी बम्बार्डमेंट करवाई जाएगी, लेकिन सबसे पहले ये एम किया जाएगा, लाइक जैसे एक बंदूक के साथ एम बनाते हैं प्लस का निशान बन जाता है, इस तरह से इसकी एम किया, इसको एम किया जाएगा। जब इसको एम किया जाएगा तो इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये जो एक्स रेज है अल्ट्रासाउंड है जिसके एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव जिसे हम कह रहे हैं उसकी बम्बार्डमेंट करवाई जाएगी। जब उसकी बम्बार्डमेंट करवाई जाएगी तो ये जो पत्थर सा बना होगा ये बारीक बारीक पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक रेत सी बन जाएगी। पर इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वाटर इंटेक करेंगे, जब हम बहुत ज़्यादा वाटर इंटेक करेंगे तो जो पथरी है वो यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाएगी बॉडी से। तो स्टूडेंट इस तरह हम क्या कर सकते हैं स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। तो हमने जो डिस्कस किया है वो ये क्या कि किडनी के स्टोन कैसे बनते हैं, ठीक है, और इसका जो मेथड यूज फॉर स्टोन रिमूवल, और हमने ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह रेनल फेलियर का डिस्कस करेंगे, वो इसी के पार्ट टू में आपको मिल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।